अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके वीडियोस की अपडेट्स। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फुल स्टेप आप कैसे कर सकते हो, फुल स्टेप हेयर कट आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो बालों की क्वालिटी कैसे है। तो जिसके लिए हम लोगों ने 5 सेक्शन में बालों को डिवाइड किया है। क्राउन सेक्शन है, साइड के ईयर टू ईयर वाले पार्टीशन यानी रेडियल सेक्शन है, और बैक में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बॉक्स सेक्शन है उसका जो एक सिंगल पार्ट है उसको आपको डिसाइड करना है कि उनको लेयर कहाँ से चाहिए। तो उनका था कि लिप से मुझे लेयर्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिप वाला पार्ट लेंगे, वहाँ तक बालों को कट करने के, और उसके बाद जो है उसे ओवर डायरेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। पहले हम लोगों ने गाइडलाइन के लिए उन्हें आगे लिया, देखो गाइडलाइन आपको मिल गया, और ऊपर का जो पार्ट है आपको उसे करना है 90 डिग्री में, जैसे मैं कर रहा हूँ देख सकते हो आप। उसके बाद वापस थोड़ा सा पार्टीशन लेके आप लोगों को जो पीछे वाला पार्ट है उसे छोटे छोटे सेक्शन लेके ऊपर के डायरेक्शन में 90 डिग्रीज पे आपको ऊपर लेना है। गाइडलाइन आपको मिल जाएगा और आपको उसे फॉलो करते हुए इसे कट करना है। तो बहुत ईजी है, आप अगर ये हेयर कट करोगे, किसी को अगर ज़्यादा लेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप ये हेयर कट कर सकते हो और उनके बालों में बहुत सारे लेयर्स ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो ऑलरेडी वहाँ पे आपको गाइडलाइन मिल रही है, और आप उसके जैसा हेयर कट यानी आप जैसे मैं देख सकते हो उस काइंड ऑफ आपको हेयर कट चाहिए, किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा स्टेप चाहिए तो आप ये हेयर कट उन्हें दे सकते हो। तो अभी हम साइड वाले पार्ट पे अभी जाएंगे, थोड़ा सा पार्ट लूँगा मैं साइड वाले पार्टीशन का ईयर टू ईयर वाले, उसके बाद उसे भी सिमिलर ऊपर के डायरेक्शन में लूँगा, ओवर डायरेक्ट करूँगा, और आपको ओवर डायरेक्ट करने के बाद आपको गाइडलाइन दिखती होगी। गाइडलाइन दिखने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, उसे गाइडलाइन देखा और उसे कट कर दिया। तो आप ये वेवी हेयर्स में, कर्ली हेयर्स में, ज़्यादा स्ट्रेट बालों में ये हेयर कट ना कीजिए, ज़्यादा कर्ली और जो भी वेवी बाल होंगे उनके ऊपर कीजिए तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। हो सके तो जो शॉर्ट शोल्डर के नीचे हेयर्स होते हैं उनके हेयर्स के ऊपर अगर करोगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है और बहुत ज़्यादा लेयर दिखेंगे आपको। और स्पेशली जो लोग क्लचर लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा ये हेयर कट, क्योंकि अगर ये जब क्लचर लगाएंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा हेयर्स के ऊपर और बहुत अच्छे लगेंगे हेयर। उसके बाद जो है हम लोग पीछे वाला सेक्शन पे जाते हैं, और सिमिलर थोड़ा सा मैं पार्ट ले रहा हूँ आगे से, थोड़ी गाइडलाइन उसमें डाल रहा हूँ, और उसके बाद उसको भी सेम ओवर डायरेक्ट करके ऊपर की तरफ ले रहा हूँ। आपको आपकी गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको उसको कट कर देना है। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये पूरा होल सेक्शन ऐसे ही धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे और उसको ऊपर लेके ओवर डायरेक्ट करके बालों को कट करेंगे और बालों में फुल स्टेप लेयरिंग देंगे। तो दोस्तों, और भी आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना मुझे, आप जो भी चीज़ बताते हो मैं थोड़ा देखता हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हो, क्या सीखना चाहते हो। तो ये नहीं है कि मैं कमेंट के आंसर नहीं देता हूँ, बट हाँ मैं सबके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और उससे मुझे और आइडियाज़ मिलते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों, आप मुझे आपकी आइडियाज़ शेयर करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते वो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं, जो लोग ने मुझे सपोर्ट किया और जो लोग नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के वजह से आज मेरे 100K हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो यूट्यूब के मेरी फैमिली है वो तो ऑलरेडी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि यूट्यूब के वजह से ही मेरा जो भी नाम है वो यूट्यूब के वजह से है, और यूट्यूब के लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, उनके वजह से ही ये सारी चीज़ें हैं। ये ब्लोड्रा हमने ऑलरेडी किया है, इसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाला है, अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो ये ब्लोड्रा हम लोगों ने कैसे किया। तो पिछला वीडियो ही है जो सेम इसी टॉपिक के ऊपर हमने बनाया था ब्लोड्रा के ऊपर, कि आप लोग ब्लोड्रा कैसे कर सकते हो रोलर से। तो आप देख सकते हो ईजिली हम लोगों ने रोलर से इनके बालों के ऊपर जो है आउटवर्ड ब्लोड्रा किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो आपको अगर वो वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके डिटेल में पूरा वीडियो ब्लो ड्राई का देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारा हेयर कट ऑलरेडी हो चुका है, आपने देख लिया कि कैसे हम लोगों ने बालों में फुल स्टेप लेयरिंग की। आप देख सकते हो कितना अच्छा फॉल आ रहा है और कितने अच्छे लेयर्स उनके बालों में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो अभी लेयरिंग में दिखाता हूं आपको उनके बालों में कितना अच्छा लेयर्स आ रहे हैं उनके हेयर्स के ऊपर, प्रॉपर ऊपर से फुल स्टेप्स है, सॉरी मैं लेयर बोल गया। तो दोस्तों, देख सकते हो आप कितने अच्छे स्टेप्स आए हैं उनके हेयर्स के ऊपर, पूरे ऊपर से यानी क्राउन से जितना हमने सामने का पार्ट शॉर्ट किया था नोज़ लेवल तक,
नोज लेवल से नीचे, सॉरी चिन तक, तो उतना ही लेवल का इनके बालों के ऊपर अभी स्टेप्स आ चुके हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी ये हेयर कट ज़रूर ट्राई करना, आप जो भी आपके क्लाइंट्स है उसके ऊपर ज़रूर ये ट्राई करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना कि आपने ये हेयर कट ट्राई किया, तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरा हेयर कट देख के कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो दोस्तों और भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और जो लोग नए हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो लोग सीख सकेंगे ये हेयर कट का वीडियो देख के कि स्टेप कटिंग आप कैसे दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।